कैथल की हनुमान वाटिका में आज चंडीगढ़ पुलिस से हेल्पिंग हैंड संदीप मोण को खडालवा मटोर खेड़ी भालंग सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया। सेवा समिति गांव गोहान से उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को हर बार सम्मानित करती है। इसी कड़ी में संदीप मोण चंडीगढ़ PGI में बतौर सिपाही रहते हुए अब तक लगभग 13,000 लोगों की सहायता कर चुके हैं, जिस नाते समाज के लोगों ने आज उन्हें कैथल बुलाकर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं आपके मीडिया बैग न्यूज़ के माध्यम से सभी को नमस्कार। मेरे जो दख डालवा बैलंग मटोर खेड़ी सरखा की जो ये समिति बनी है जी। इनके जो भी सम्मानित यहाँ पे मेरे बड़े छोटे बैठे हैं, सभी को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अजय जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई कर्म करता हूँ एक इंसान के लिए, और वो खासकर जिस समय पर वो दुखी होता है तो बहुत अच्छा लगता है उसके लिए, अगर हम उसका कुछ दुख पड़ पाएँ उस दुखी समय। गांव वाले भी आपको हर बार याद करते होंगे, आज तो चलो मौका मिल गया। बहुत गांव वाले, मतलब ये जो मेरा पहला मौका है जो मेरे तीनों गांव ने मुझे सम्मानित किया है, और गांव से बहुत प्यार है। मैं गांव से बहुत, गांव की मिट्टी में मैं, वहां जब चंडीगढ़ में सारंगपुर एक गांव है, मैं उसको अपनी कर्मभूमि मानता हूँ, और मटोर मेरी जन्मभूमि है। तो सरखा खेड़ी बैलंग मेरे गांव से गए, छोटे गांव हैं, तो मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं काफ़ी बहुत प्यार करता हूँ अपनी मिट्टी से। गांव के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो कब से आप ये सेवा में लगे हो, किस प्रकार से आपकी सेवा का प्रारूप रहता है? मैं इसमें, मैंने 2009 में चंडीगढ़ पुलिस में एक सिपाही के पद पर कार्य ज्वाइन किया था। तो मैं 2011 से, जब मैं ट्रेनिंग करके वापसी अपने चंडीगढ़ में गया रोहतक सुनारियाँ से, तो मैं PGI से 2011 में टस में चला गया उस मिट्टी के। तो फिर मैं 2020 से लगातार कंटिन्यू, मैं अपनी SSP मैडम से मिला, तो मैंने बोला कि मैडम मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ एक सिपाही के, ये ड्यूटी तो मैं कर ही रहा हूँ खाकी वर्दी के साथ साथ में, मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ ताकि मैं किसी दुखी इंसान का दुख बांट सकूँ। तो फिर मैं 2020 से लगातार अभी PGI चंडीगढ़ की जो वुमेन पुलिस पोस्ट है उसमें कार्यरत हूँ, और अभी तक मैंने जो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है PGI, जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP और अपना, इन राज्यों से मैं अभी तक लगभग 13,000 पेशेंट्स को दिखा चुका हूँ। जो अभी गांव गुहान के लोग आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई मैसेज आपका? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी हमारे समाज में, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सरकारी जॉब पे है, जो भी यानी कि कोई, चाहे ज़मीन से जुड़ा है, खेती बाड़ी करते हैं, वो मतलब किसी के दुख को बांटे, या किसी गरीब बच्चे को शिक्षित करे, या किसी खाट में पड़े पेशेंट हैं, जो भी बीमार व्यक्ति है, उसको उठा करके कुछ उसकी मतलब मदद करे, सबसे बड़ा एक पुण्य काम है ये, क्योंकि देश के मुद्दे ही यही हैं। हमारे देश में अगर शिक्षा और चिकित्सा मजबूत होगी तो शायद हमारा देश और भी प्रगति के उस पर आगे मतलब काम करेगा, मतलब मजबूत होगा। तो यही मुद्दे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि चाहे कोई भी गांव का सरपंच है, हमारे एरिया का विधायक है, या मनु के एरिया का MP है, वो मतलब शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम करें, डोर टू डोर जा करके भी अगर वो काम करेगा तो भी हम कुछ काफ़ी इन मुद्दों पे काम कर पाएंगे। मेरा नाम पाल सिंह, रिटायर्ड JEE, सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ, और खडालवा के नाम से मैंने सेवा समिति बनाई है। हम इस तरीके से अपने समाज में समाज की सेवा कर सका, निस्वार्थ भावना से सेवा करें, और मेरे साथियों ने फिर हमने 11 मेंबर कमेटी बनाई है, और इसी तरह हमारे ये संदीप जी हैं जो जैसे वहाँ सेवा कर रहे हैं, उसको चंडीगढ़ में सेवा कर रहे हैं PGI के सामने, इसलिए हमने इनको यहाँ सम्मानित करने के लिए इन्वाइट किया है, और हमने बड़ी खुशी हुई कि हमारा आदमी वहाँ सेवा कर रहा है, इसलिए हम भी इसको हर तरह से कह दिया भी किसी तरह भी हम आपको कोऑपरेट करें, जो भी तन मन धन से आपके साथ है, आप सेवा करते रहें, इसलिए इसका हौसला बुलंद रहेगा, हमने इसको सम्मानित किया है। भविष्य में भी ये प्रयास जारी रहेंगे? भविष्य में भी प्रयास जारी रहेंगे। किन किन गांव के लोग इस सेवा समिति में? ये अपनी भैलंग खेड़ी मटोर सेवा समिति खडालवा मंदिर के नाम से है, 36 बरादरी के, 36 बरादरी की है ये, इसमें निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं सारे, और हम जैसे भी तन मन धन से कोई किसी का भी हो काम हो, 36 बरादरी का, बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, और हमको इनको भी है यही है, हमने बड़ी इसकी इज्जत करनी थी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ, और हमारी भी उसका गांव की भी प्रशंसा हुई, और इसके नाम से प्रशंसा हुई, तो हमारी समिति ने भी इनको इन्वाइट किया भाई आपने सब सम्मति से उसको बुलाया जाए और उसको सम्मानित किया जाए। इसी तरह हमने तीनों सरपंचों को बुलाया था गीता भवन में, उनको भी हमने सम्मानित किया है भाई, जिसने वोट दिया नहीं दिया,
निस्वार्थ भावना से आप काम करो, आप वैसे प्रशंसा के पत्र हो जाओगे जैसे अपने संदीप जी हो रहे हैं। इसलिए हमने इसका हौसला बुलंद रहे भाई का, हमने इसको अपना तन मन धन से साथ देंगे समिति की तरफ से।